हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे कैसे आइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़िया से स्केच कर लेंगे, उसके बाद चारकोल पेंसिल लेंगे, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, और बढ़िया से जहाँ जहाँ डार्क चाहिए, जैसे आँख के पुतले में बीच में डार्क होता है वहाँ वहाँ डार्क दे देंगे, फिर साइड साइड होता है साइड साइड डार्क दे देंगे, और देखते हैं कि आँख के पुतले के साइड या बीच में कहीं कहीं लाइट होता है जिसे चमक दिखता है, तो हम लोग चमक भी दे देंगे। और बहुत पेशेंस से काम करना है, बारीकी वर्क करना है, पेशेंस से काम करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। और अच्छे से मर्ज करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ब्लेंडिंग स्टम्प और ब्रश दोनों का प्रयोग करते हैं, और देख रहे हैं कि आप हम ब्लेंडिंग स्टम्प से प्रयोग कर रहे हैं, और मैंने कहीं कहीं बीच में लाइट भी छोड़ा है, एकदम पेंसिल डार्क नहीं चला है, मर्ज से मतलब डार्क किया है लेकिन उतना डार्क नहीं दिखेगा जितना चाहिए, और एकदम बीच में लाइट भी छोड़ रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल करना है। और धैर्य से काम करें, ये ना कि जल्दीबाजी करें, एक घंटा भले दो घंटा एक घंटा लगे लेकिन काम पेशेंस से करें और अच्छा करें। और देख रहे हैं कि हम ब्रश से काम कर रहे हैं, इससे ब्रश से अच्छा मर्ज होता है। उसके बाद धीरे धीरे बाहरी आउटलाइन भी करेंगे आँख का, और हाँ दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। पेंसिल यूज करूँगा, कहीं पेंसिल नहीं यूज करूँगा, ग्रेफाइट पूरा चारकोल पेंसिल ही है इसमें, कहीं भी ग्रेफाइट पेंसिल नहीं है, और इसी से मैं पूरा आइस बनाऊँगा पूरा। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं जो बाल होता है आँख का, ब्राउनी का यूज कर रहा हूँ, और आप लोग ग्रेफाइट डस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट डस्ट ये नहीं है, चारकोल डस्ट है जो मैंने ब्रश से यूज कर रहा हूँ, तो ये भी कर सकते हैं। देखिए बारीकी वर्क, मैंने थोड़ा थोड़ा लाइट छोड़ रखा है, अभी अभी यूज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लाइट छोड़ूंगा जिससे आँख में चमक आएगी, तो आप लोग बिल्कुल कीजिए। और फिर ब्रश से मर्ज कर दीजिए, और मर्ज कीजिएगा, ध्यान दीजिए कि लाइट पे ना जाए, लाइट पे ब्रश ना जाए, और जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ आँख पे डार्क देना है, जैसे आपके मतलब आँख है वैसे वैसे डार्क दे देना है। उसके बाद फिर ग्रेफाइट डस्ट से हम अच्छे से मर्ज कर देंगे ब्रश से। तो देख रहे हैं कैसे हमने मर्ज किया, और जहाँ जहाँ पेंसिल की यूज हो रहा है मैंने वहाँ वहाँ पेंसिल भी यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। और आप देख रहे हैं कि कैसे आँख में जो लाइट छोड़े हैं तो उसकी चमक कैसी मतलब दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और ऐसे ही आगे हम ब्राउनी बनाएंगे, पहले पूरा बढ़िया से मर्ज कर लेंगे पेशेंस से कि कहीं और मैंने डस्ट का पूरा पूरा प्रयोग किया है, तो आप लोग भी पेंसिल से डस्ट बना सकते हैं, मैंने डस्ट कहीं से खरीदा नहीं है, पेंसिल से ही डस्ट बनाया हूँ,
तो आप लोग भी पेंसिल से चारकोल पेंसिल को डस्ट बना सकते हैं। और मैंने ब्राउनी पहले लाइनिंग दे दिया है, उसके बाद ब्रश से ऊपर से मिक्स कर दिया है, इससे और खूबसूरत दिखता है। और देखते हैं आँख के ऊपर राउंडनेस होता है और जहाँ जहाँ डार्क होता है, डेप्थ होता है, वहाँ गहराई होती है। इसलिए देखते हैं कि अगर जहाँ डार्क दिखेगा वहाँ ज़रूर गहराई होगी। तो देखिए जहाँ डार्क है वहाँ पर गहराई तो बिल्कुल है। और साइड साइड में मैं उसका छाया दे दूंगा। और ऐसे ही आगे दूसरी आँख भी करते रहेंगे। और देखते रहिए मेरे वीडियो को, और ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।